स्टेपल मानसा के साथ विशाल भैया और रवि। तो हम आपको अदालत स्टेपल दिखाएंगे कि क्या खासियत है और वहाँ पे क्या क्या चीजें देख सकते हैं आप अहमदाबाद में। तो यहाँ पे रोज आते हैं फर्स्ट टाइम? नो, दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्चुअली। सो यू आर मेकिंग? आई एम जस्ट मेकिंग दिस व्यू एक्चुअली राइट इन फ्रंट ऑफ मी। हां, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो इट्स अ कॉलेज प्रोजेक्ट और योर पर्सनल? नो, सिंपली अ वीकेंड काइंड ऑफ अ थिंग, हॉबी काइंड ऑफ। ओके, लुक एट दिस गाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। Thank you.
ये स्टेपेल बावली की स्टोरी है, 1555 की कहानी है। अच्छा। 1555 एक छोटे विलेज था पहले, छोटे गांव था। गांव के अंदर एक जमाने के यहाँ पे बिजली पानी के तंगी दुष्कार ऐसी परियां थी, पूरे एरिया जंगल था। तो छोटे गांव के अंदर एक गुजरात का राजा वीर सिंह राजा वाघेला किंग तो राजा थे, यहाँ घूमने आते, पानी की दुष्कार देखते है। छोटे गांव के अंदर एक रूप सुंदर का नाम है रूडा रानी। रूडा रानी बहुत सुंदर थी। रूडा रानी को पूछते है तुम मेरे साथ मैरिज करेंगे? हाँ करेंगे। एक सुंदर आयोजन काम करो, पब्लिक पानी पी सके, आराम कर सके, इसलिए स्टेप पे लाड़ी खड़ी कर। रूप सुंदरी शादी में तैयार हो गई तो वीर सिंह राजा वाघेला पूरा जंगल के अंदर एक नक्शा प्लान करके अंडरग्राउंड में फाइव मंजिल है, फाइव स्टोरी है। अच्छा। फाइव स्टोरी के बाद में 30 फुट का पानी का कुआ तुम देखेंगे, दूसरा कुआ पीछे तुम नहीं जा सके, नो एंट्री है। वापस आते दूसरे आंटी पीछे गार्डन घेर पे, दूसरे आंटी पीछे गार्डन को जाएंगे तो दो कुआ नहीं देख सकते। ऊपर के भाग में ऐसे गुजरात में ऐसे बहुत पावली होती है, ऊपर होती है तो ऊपर के भाग में तीन एंट्री है, गुजरात में एक एंट्री होती है, अलग नाम होते हैं। रानकी भाई पाटन में एक एंट्री है, समझते हो? ऊपर की तीन एंट्री है तो तीन एंट्री का नाम है अलग है। इसका नाम है जया भद्र नंदा की बावली बोलते हैं। है जमाने के स्टेप पे बावली तो खड़ा कर दिया। बावली के अंदर पहले पानी का स्टॉक नहीं था, क्यों? पानी की तंगी थी, पानी निकला नहीं। तो हिंदू धर्म के अंदर एक बार शादी होती है तो रानी थी वीडियो वीडियो समझते ना, तो राजा को बाद में पता चलता है तो विधवा है तो शादी नहीं हो सकती। वही लड़की भक्ति शक्ति वाली लड़की वो सत्य थी, पब्लिक मेरी है तो राजा की पब्लिक के लिए पानी के लिए ये बावली के अंदर खुद की बलि चढ़ती है। बलि चढ़े के बाद में 1555 की कहानी 100 साल पहले ऊपर के बगे तीन एंट्री है, ऊपर तक पानी था पहले जमाने के। तो तीन एंट्री के अंदर छोटे छोटे गांव में ऐसे पानी भर सकते थे और पी सकते थे। आज जमाने के सब सुविधा फैसिलिटी हो गई, फाइव स्टोरी के बाद में नीचे से लगाया ये पानी देखा पीने लायक नहीं है, ये पानी पवित्र माने पूजा के काम आते है। दूसरा एक वाड़ी का जानते देखो, दिखने आते हैं पब्लिक कुछ देखते नहीं है, ये वाड़ी के नीचे चुना में कुछ नहीं है, इंटरलॉकिंग सिस्टम देखे इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये पत्थर के टुकड़े टुकड़े है तो खड्डा ऐसे लॉकिंग सिस्टम मेरे पीछे देखो, इसे सब पूरा देखो ऐसे खड्डा होगा, इंटरलॉकिंग सिस्टम है, कोई चूना सीमेंट नहीं है। चूना देखेंगे ऊपर के बाद में नवा काम बनते टूटा फूटा हो तो ऊपर के नकाशे देखे तो इसमें पत्थर की सीमेंट चूना मिलते है। अभी ऊपर के पापे देखो नया काम बनते हैं तो चूना सीमेंट देखते है ना, इसमें नकाशी अलग अलग है। ये नकाशी पिछली एंट्री है तो पूरा गेट होगा, तुम आए एक गेट देख लो कटिंग होगा, ये जालिम का एक मंदिर जिसे बनाना पड़ा इसका गुम्बद अधूरा काम है। ये जमाने के अंदर सिविल इंजीनियर इंजीनियर को पूछा तुम दूसरी का जो बनाए जिसको महत्व रहते नहीं, तो सिविल इंजीनियर को मार दिया तो ऊपर के बाबा तुम जाएंगे तो ऊपर के बाबा ऐसे इंजीनियर कबर देख पाते हैं।